देखिए दोस्तों, डाली दौड़ते दौड़ते खेत में थक चुकी है और हार देखिए किस तरह से हाँफ रही है। इसे कंधे पर रख के देखिए, मम्मी ले चल रही है घर, मजे से बैठ कर बच्चों की तरह घर की तरफ जा रही है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सूरज प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जय हिंद सूरज प्रजापति। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ा हुआ तमाम तरह की चीजें जो खेतों में हमारे लगाया गया सब्जी। तरह आप देख रहे हैं जो फूल पीला पीला फूल दिखाई दे रहा है, या नेनुआ यानी घेवड़ा का फूल है और तमाम तरह का नेनुआ इसमें भरा है। और भी हम सब्जी लौकी का दिखाएंगे आपको। इधर आपको दिखा रहा है, देखिए इधर मक्का लगाया गया बहुत भरपूर मात्रा में। तो आज सब्जी तोड़ने हम लोग आए हैं खेतों में, और इधर हमारी डाली भी आज खेत में आ गई है, तो आपको इसको भी दिखाएंगे। और देखिए देखिए डाली को, देखिए अभी डाली को बांध दिए हैं, तो इधर दौड़ दौड़ कर इधर उधर तोड़ देगी सब्जियों को, दिक्कत हो जाएगा। तो आइए आपको दिखा रहे हैं कि हमारे खेत में क्या क्या लगा। देखो देखिए दोस्तों, यह मिर्चा जो हरा मिर्चा आप लोग खाते हैं, वो हरा मिर्चा इधर लगाया गया है। और इधर आपको नेनुआ घेवड़ा है, इधर आपको दिखा रहे हैं मक्का लगाया गया है, भरपूर मात्रा में मक्का की खेती भी की गई है। तो दोस्तों, चूंकि हम लोग किसान हैं और खेती करना ही हम लोग का मुख्य मतलब व्यवसाय है, तो जिसके नाते हम लोग हमारे वहाँ सब्जियाँ भरपूर मात्रा में लगाया जाता है। और जब से हम लोग मतलब होशियार हो गए एक तरह से काम करने के लायक, तब से हम लोग भरपूर मात्रा में हर साल सब्जी लगाते हैं। और पढ़ाई के बाद दूसरा काम हम लोग का मुख्य काम है खेती करना, सब्जियों का पैदावार करना, और इसी के सहारे हम लोग का जीवन यापन कहीं ना कहीं चलता है। तो इसके नाते भाई देखिए, इधर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए इधर प्याज की खेती की गई है, मतलब 15-20 डिसमिल के लगभग प्याज भी हम लोग लगाए हैं। और आइए आपको दिखा रहे हैं कि लौकी का क्या हाल है हमारे खेत में। तो लौकी भी बहुत शानदार इस साल हुआ है। तो इधर देख रहे हैं दोस्तों, इधर लौकी का इधर खेत है, इधर जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा लौकी है। लौकी भी अब धीरे धीरे निकल रहा है, तो लौकी भी हमको तोड़ना है और उसको ले चल के मार्केट में बेचने का हम लोग काम करेंगे शाम को। तो यही सब सोचे हैं कि आपको आज का अपने खेत में जो फसलें बोई गई हैं वो अब मतलब वो अब तैयार हो गई हैं, तो इसके नाते हमने सोचा कि आपको दिखाएं कि खेत में क्या क्या चीज़ें अभी मतलब निकल रहा है। दोस्तों, समय नहीं मिलता है काम करने के दौरान, तो जब कभी थोड़ा बहुत समय मिल जाता है तो हम लोग ब्लॉग बना लेते हैं। और क्योंकि खेतों में दोस्तों बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, और हर टाइम कहीं ना कहीं काम के मतलब बोझ के नाते समय का अभाव रहता है, जिसके नाते वीडियो नहीं बन पाता है। लेकिन जब समय मिलता है, फुर्सत मिलता है, तो छोटा मोटा ब्लॉग बना लेते हैं। रही मिर्चा का खेती है, और देख रहे हैं इधर 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 से उधर दौड़ रही है, इसको मज़ा आ रहा है कहीं ना कहीं। और देखो सीकड़ हम लोग बांध लिए हैं, अगर नहीं बांधेंगे तो दौड़ के मतलब इधर उधर ज़्यादा नुकसान कर देगी, जिसके नाते इसको सीकड़ में ही अक्सर बांधा रहते हम लोग बांध कर रखते हैं। और घर पे तो खुला रहती है, घर पे गेट है लग गया है, तो इसके नाते गेट के अंदर पूरा घूमती रहती है, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं। डाली डाली आ जा, देखिए दोस्तों एक बार बुलाने के बाद तत्काल चली जाएगी सब पास। और आज पत्थर वालों का बहुत ही आसानी से देखिए, इधर देख रही है कि क्या क्या खेत में लगा है। खेत है, घर से अगर छोड़ देंगे आप तो अगर उसको कहीं पता चल जाएगा कि हमको खेत में जाना है, तो डायरेक्ट खेत में दौड़ते हुए चले आएगी। बहुत तेज़ी से रफ्तार से दौड़ती है, तूफान से भी बहुत तेज़ी से जितना दौड़ती है उतना तेज हम लोग नहीं दौड़ पाएंगे। दिखने में छोटा है लेकिन दौड़ने में बहुत तेज़ है।